आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत में सूर्य ग्रहण को शाम 4:22 से लेकर 5:27 तक देखा जा सकेगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित रामजी मिश्र मौजूद हैं। लेकिन पंडित जी से बात करने से पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शास्त्रों और पुराणों में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार चंद्र ग्रहणों की तुलना में सूर्य ग्रहण अधिक प्रभावशाली होते हैं। वहीं आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे का रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत के अधिकतर हिस्सों में दिखेगा। सबसे पहले इसे अमृतसर में शाम 4:19 पर देखा जा सकेगा। वहीं मुंबई में शाम 6:09 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ज्यादातर जगह ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म होगा। दुनिया भर की बात करें तो अमेरिका में स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवम्बर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखेगा। सूर्य ग्रहण को सुबह 11:28 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण 4:22 से दिखना शुरू हो जाएगा और 5:26 तक रहेगा। अलग अलग मत पत्रा के अनुसार सूतक और सूर्य ग्रहण के समय में 15 से 20 मिनट का अंतर हो सकता है। बात करें दिल्ली की तो शाम 4:28 से लेकर शाम 5:42 तक रहेगा। वहीं बेंगलुरु में शाम 5:12 से लेकर शाम 5:56 तक रहेगा। कोलकाता में शाम 4:51 से लेकर शाम 5:04 तक रहेगा। मुंबई में शाम 4:49 से लेकर शाम के 6:09 तक रहेगा। चेन्नई में शाम 5:13 से लेकर शाम के 5:45 तक रहेगा। पटना में शाम 4:42 से लेकर शाम 5:14 तक रहेगा। लखनऊ में शाम 4:36 से लेकर शाम 5:29 तक रहेगा। अहमदाबाद में शाम 4:38 से लेकर शाम 6:06 तक रहेगा। पुणे में शाम 4:51 से लेकर शाम 6:06 तक रहेगा। भोपाल में शाम 4:42 से लेकर शाम 5:47 तक रहेगा। चंडीगढ़ में शाम 4:23 से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। मथुरा में शाम 4:31 से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। पटना में मंगलवार की शाम 4:36 से सूर्य ग्रहण दिखेगा। शाम 5:29 पर सूर्य ग्रहण का मध्य होगा और शाम 5:16 पर लखनऊ में सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे में शेष अवधि का ग्रहण लखनऊ में नहीं दिखेगा। लखनऊ में ग्रहण का मध्य सूर्यास्त से ठीक पहले होगा, इसलिए तब सूर्य बिल्कुल पश्चिमी क्षितिज पर दिखाई देगा। ऐसे में लखनऊ के लोग 4:36 से शाम 5:29 तक सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता बरतें। इस अवधि में भोजन करना ठीक नहीं माना जाता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जैसा कि आप जान रहे हैं, सूर्य ग्रहण को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते सप्तासुरारूढ़ प्रचन्नम प्रश्यपात्मजम श्वेत पद्महरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। ग्रहाधिपति सूर्य पर जब ग्रहण पड़ता है, ये ग्रहण वर्ष का आखिरी ग्रहण है और ये ग्रहण बड़ा ही पूरे विश्व में इसको देखा जा सकेगा और भारत में भी इस ग्रहण को पूर्ण दृष्टि में देखा जा रहा है। यह ग्रहण
मानव जाति पर बुरा भी प्रभाव डालेगा और अच्छा भी प्रभाव डालेगा। ये ग्रहण दीपावली के एक दिन बाद, दीपावली अमावस्या को, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को ये ग्रहण पड़ रहा है और ये 29 साल बाद ये ग्रहण ऐसा आया कि पर्व के दिन ये ग्रहण पड़ रहा है। इसीलिए अमावस्या 2 दिन की हुई। एक दिन पहले 24 तारीख को सायंकाल से अमावस्या लगी, जिसके कारण दीपावली का जो त्यौहार है ग्रहण की वजह से एक दिन पहले मनाया गया और अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ने के कारण ये दूसरे दिन 25 तारीख को सायं 4:22 से लेकर के 5:42 तक ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। और ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले पड़ता है। इसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो है वो 12 घंटे पड़ने से प्रातःकालीन 4:29 से ही सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। सभी पूजा पाठ जो भी प्रातःकालीन, जो गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन प्रातःकाल मनाई जाती थी, वो इस बार नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक होता है उसमें पूजा पाठ करना, खाना पीना, ये सभी कुछ वर्जित माना गया है। इससे ये ग्रहण बड़ा ही प्रभाव हर एक मानव जाति पर छोड़ेगा और प्रातःकाल से ही सभी चारों तरफ मंदिरों पे मंदिर प्रातःकाल से ही बंद कर दिए गए। सुबह की पूजा 3:30-4 के बीच में कर ली गई, उसके बाद सभी कपाट बंद हो गए, क्योंकि सूतक काल में भोजन करना और पूजा पाठ करना जब तब कर सकते हैं, अपना जो भी जब पूजा पाठ अपना बैठ करके भगवान का स्पर्श, देवताओं का स्पर्श नहीं किया जा सकता। पंडित जी, क्या कारण है कि सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा नहीं की जाती है? कारण यह है कि जो भगवान सूर्य पर, भगवान सूर्य ग्रहाधिपति हैं और सूर्य और चंद्रमा पर, आपने सुना होगा जब अमृतपान देवताओं ने, जब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृतपान कराया, उस समय राहु एक राक्षस आकर के उसने चुपके से अमृत का पान कर लिया, जिसके कारण भगवान सूर्य की दिव्य दृष्टि है, सूर्य और चंद्रमा की, ये देव के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे। इन्होंने जैसे ही देखा कि ये कोई राक्षस आकर के यहाँ पर अमृत पान कर रहा है, तो उस अवधि में इन्होंने भगवान विष्णु को सूचित किया, जो मोहिनी का रूप धारण करके सभी को अमृत पान करा रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से, क्योंकि जो राक्षस अगर अमृत पान कर लेगा तो विनाश कर देगा, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया राक्षस का, लेकिन वो दो हो गए, एक धड़ से और एक सर से अलग हो गया। फिर भगवान विष्णु ने फिर आदेश किया, लेकिन सभी देवताओं ने रोक दिया कि अगर इसके भी दो टुकड़े हो गए हैं और अधिक अगर टुकड़े हो जाएंगे तो और भी अधिक प्रभावशाली हो, जितने भी हो जाएंगे उतने। तब भगवान सूर्य ने, सभी देवताओं ने उनसे पूछा राक्षस से कि क्या चाहिए, तो उन्होंने अपना ग्रहों में स्थान मांगा। पहले 7 ही ग्रह थे, ये 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, तो इन्होंने अपना स्थान 9 ग्रहों में प्राप्त कर लिया है और आज सबसे प्रभावशाली राहु और केतु ग्रह हो गए हैं। तो जो सूर्य ग्रहण आता है, ऐसी मान्यता कि सूर्य को राहु ग्रसित करता है, हालांकि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, चंद्र और पृथ्वी के मध्य में आने से ये ग्रहण का प्रभाव, सूर्य का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर न दिखने से पड़ता है। और इनकी जब ग्रहण काल में निगेटिव एनर्जी एक निकलती है सूर्य से, जो कि जब, क्योंकि ग्रहण राहु और केतु के साथ में जब सूर्य होंगे तो उसमें जो तरंगे निकलेंगी वो थोड़ी निगेटिव तरंगे होंगी और वो हम सभी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए प्रभावशाली होती हैं।
और वो तरंगों से बचने के लिए बताया जाता है कि आप खुला भोजन न रखिए या पका हुआ भोजन न रखिए, उसमें अगर तरंगे या खुला हुआ या कोई खाद्य सामग्री खाने योग्य हो और वो तरंगे वहाँ तक पहुँच गई तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं, स्वास्थ्य के लिए। और हम जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव जब भगवान सूर्य पूरे जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं और जब से सृष्टि की रचना हुई है उस समय से लेकर के सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं, देवता हैं, जो पूरे जगत को बड़ी तीव्र गति में प्रभावित करते हैं। आत्मबल है, सरकारी द्वारा नौकरी है या राजकीय जितने भी कार्य हैं, या नेत्र की ज्योति है, हमारे हड्डियों का, जैसे बहुत बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, इन सभी पे और आत्मबल पर, इन सभी पर और पिता का, इन सभी पर भगवान सूर्य का ही प्रभाव रहता है पूरे जगत पर। तो इसलिए जब सूर्य प्रभावित होंगे तो इसका मतलब पूरा जगत प्रभावित होगा, इसीलिए सूर्य ग्रहण को विशेष माना गया। चंद्र ग्रहण भी है, चंद्र भी दिव्य दृष्टि वाले हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो बहुत अधिक जातकों पर प्रभाव डालता है। पंडित जी, शास्त्रों के अनुसार सूतक लगने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण जिस दिन हो उस दिन कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य, क्योंकि आत्मबल और पूजा पाठ के मुख्य जो देवता हैं वो भगवान भास्कर ही है, सूर्य ही है। और जब सूर्य पर प्रभाव पड़ेगा, जब सूर्य स्वयं ग्रसित रहेंगे राहु और केतु से, तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, जिससे जो जातक हैं, जो राशियों के लोग हैं या जो धरती पर पूरे ब्रह्मांड में सभी पर उनका प्रभाव, बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अच्छा भी माना गया है, तो इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो उस दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जो पूजा पाठ संबंधी, जैसे मूर्ति को स्पर्श करना है या घर में कोई जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो काटने पीटने का कार्य न करें चाकू से, उस समय निद्रा सोए नहीं और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। आपसी पति पत्नी या जो संपर्क होता है वो संपर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस दिन का जो जातक बच्चा पैदा हो जाता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का पैदा हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव, एक तो सूर्य तुला राशि पर रहेंगे और उस दिन अगर गर्भ आ गया तो वो हमेशा के लिए उन बच्चे के लिए उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इससे सूर्य ग्रहण वाले दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, अधिक बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए और भोजन, हालांकि शास्त्रों की तो ऐसी मान्यता है कि जो सूतक लग जाए उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई निभा नहीं पाता है, इसलिए भोजन कर सकते हैं 12 बजे तक अपना कर लीजिए, क्योंकि विदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर 2 बजे से ही ग्रहण पड़ने लगेगा। इससे चूँकि सूर्य तो एक ही है जो प्रभाव हमारे सभी पूरे पृथ्वी पर, सभी ब्रह्मांड पर छोड़ता है, तो इसलिए 2 बजे के पहले ही सभी को भोजन कर लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं छोटे और जो बहुत बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई आपातकालीन मर्यादा नास्ती, तो जो या मरीज हैं जो स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं रहता है, ऐसे लोग भोजन अगर कर भी लें, उनको दवाई देना है या उनका ख्याल रखना है तो उस समय आप उनको दे सकती हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको चाहिए कि वो इस बीच में भोजन ना ग्रहण करें। और गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गोबर लगा लें या गेरू लगा लें और उस समय किन्हीं देवता का जप करें, क्योंकि इस ग्रहण लगने में जब हम उनका स्मरण करेंगे देवताओं का तो ग्रहों को बल मिलता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य पे जब ये राहु केतु का प्रभाव होता है तो ग्रसित करते हैं सूर्य को, इन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन्होंने, सूर्य ने ही देखा था इनको, राहु को अमृतपान करते समय। इसलिए विशेषकर जो राहु केतु का प्रभाव पड़ता है वो सूर्य और चंद्रमा में ही पर पड़ता है, अन्य ग्रहों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब सूर्य पर ही अधिक प्रभाव पड़ता है तो इसलिए जब हम जप करेंगे तब करेंगे तो देवताओं को बल मिलेगा, क्योंकि देवता हम सभी पर आधारित हैं, आकाश गंगा में सभी ग्रह हैं, उन्होंने पृथ्वी की रचना इसीलिए की क्योंकि हम सभी उन देवताओं के, उन ग्रहों के संतान हैं। इससे हम सभी का कर्तव्य बनता है कि
कि जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े उस दिन सभी कार्य छोड़ करके अपने भगवान के तप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के बल से ही हम सभी बलशाली होते हैं, उन्हीं के बल से हम सभी के अंदर स्वास्थ्य को अच्छा रखने की शक्ति मिलती है। नहीं तो ग्रहों का प्रभाव जो पड़ता है तो स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और सूर्य तो ऐसे तेज ग्रह हैं तो जो कि हमारे पूर्ण शरीर पर अगर उनका कृपा नहीं है तो शरीर पुष्ट हो ही नहीं सकता है। तो इससे सूर्य का जप करें, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप करने से तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इस मंत्र को अपने मन में जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करें या अपने जिन इष्ट देवता को आप मानते हो उन्हीं का जप करें, जिससे सूर्य को बल मिले, देवताओं को बल मिले, और इस ग्रहण का प्रभाव हमारे मानव जाति पर बहुत बुरा ना पड़े। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव जब ग्रहाधिपति ही परेशान हो तो पूरे धरती पर इसका प्रभाव पड़ता है और बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है। क्योंकि ये जो पक्ष है इस पक्ष में तीन मंगलवार पड़े, आज मंगलवार का दिन है और ये तीसरा मंगल है इस पक्ष का, और शास्त्रों के अनुसार जब तीन मंगलवार जिस पक्ष में पड़ें वो पक्ष बहुत ही उसका प्रभाव बुरा पड़ सकता है। और फिर मंगलवार का दिन, और मंगलवार को जो धरती पुत्र मंगल को कहा गया है, और मंगल का प्रभाव दूसरा ग्रहण का प्रभाव, तो ये दोनों मिला करके इसीलिए कहीं दूसरे राज्यों में भारत के अलावा अन्य देशों में युद्ध की संभावना चली रही, यूक्रेन रूस ये युद्ध तो आपस में चल ही रहा है, और इसका प्रभाव इस ग्रहण के प्रभाव के कारण मंगलवार के दिन पड़ने के और आगजनी भूकंप ये सब आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है देश विदेश में। तो इसलिए जब हम लोग जप करेंगे तब करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे देश में तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन हम लोग सभी विश्व की शांति चाहते हैं कि पूरे विश्व का किस प्रकार से कल्याण हो, तो उसके निमित्त हमें चाहिए कि इस ग्रहण पर सावधानी रखें और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जैसे बाहर की बहुत यात्रा है, यात्रा में चलें, ग्रहण के समय में तो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा में चोट फेट लगने के, और हमने खुद अनुभव इसका किया है। कई एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो कई बार ऐसी घटनाएं जो हमने कहा कि ग्रहण पड़ने वाला है, उसी समय उसकी खिड़की गिर गई और एक जातक पर उसके तुरंत हाथ दब गया और ऐसा प्रभाव पड़ा, कुछ ही समय के लिए वो ग्रहण था। तो इसे ग्रहण के समय यात्रा जब करें बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा करें, और यात्रा करते समय बहुत सावधानी रखें, किसी प्रकार से गाड़ी वाहन ऐसा न चलाएं जिससे तीव्र गति से, बहुत सावधानी से अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें, या और जो भी भोजन आपको करना है या कोई शुभ कार्य करना है तो बहुत सोच समझ के करें, जो भी आपको कार्य करना है ग्रहण के पहले या ग्रहण के बाद करें, ग्रहण के बीच में केवल भगवान की चर्चा करें या कोई जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके ऊपर ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ेगा। पंडित जो जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये किन किन राशियों पर ज़्यादा असर दिखाएगा या किसको फायदा मिलेगा इससे? ग्रहण का जो बुरा असर है वो लगभग तो सभी राशियों पे पड़ता है, क्योंकि ग्रहाधिपति सूर्य पर जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो लगभग तो सभी राशियां इससे प्रभावित होती हैं, खासकर तुला राशि से ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि तुला लग्न और तुला राशि के जातक जैसे बुखार आना, फीवर आना, इन सब समस्याओं से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि तुला राशि पर शुक्र उसी में विराजमान है, उसी में सूर्य है और उसी में चंद्रमा है, और केतु भी तुला राशि पर इसमें मौजूद है, चार चार ग्रह योग इसमें तुला राशि पर बन रहा है, और ये योग बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तुला जो सूर्य के चंद्रमा तो मित्र हैं लेकिन अन्य जो केतु और शुक्र ये शत्रु हैं, इससे तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ज़्यादा इससे प्रभाव झेलना पड़ सकता है इसका, ये तुला राशि वाले कोई भी ऐसा कार्य ना करें विशेषकर, क्योंकि स्वाति नक्षत्र पर ये ग्रहण का प्रभाव विशेष ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए स्वाति नक्षत्र के लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे, जिनका भी स्वाति नक्षत्र है और तुला राशि वाले लोग ये विशेषकर आज के दिन सावधानी रखेंगे। और वर्तमान समय में अधिकतर राशियां प्रभावित हो रही हैं, जैसे मेष राशि
मेष के एकदम सप्तम भाव में सूर्य और इन सभी चार ग्रहियों का योग बन रहा है, तो इससे मेष राशि वाले जातक इसमें बहुत ही विचलित होंगे, उनका मन बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो पत्नी या मित्र का स्थान है वहाँ पर इन ग्रहों का चार चार ग्रहों का योग बन रहा है, इसलिए वो अपने जीवन साथी या मित्र या उनके विवाह पर या आपस में तनाव को लेकर के विच्छेदन की स्थितियाँ वर्तमान समय में बन रही हैं। इससे अपने पत्नी से या अपने पार्टनर से एकदम लड़ाई आपस में वाद विवाद न करें, जिससे और लड़ाई की संभावना बन सकती है, इससे मेष राशि वाले विशेष सतर्क रहें। वृक राशि वालों के लिए ये ग्रहण का बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके लिए शुभ प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग अच्छा प्रभाव रहेगा, भगवान सूर्य की उपासना करें तो इनके लिए कोई बुरा असर नहीं है। चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जातक चंद्रमा का आज सायंकाल स्नान करके चंद्रमा का पूजन कर लें या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि चंद्र राशि इस समय थोड़ा सा वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ ग्रहण के उपरांत, आज मंगलवार का दिन है, ग्रहण के उपरांत भगवान हनुमान जी की आराधना करें। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि भी वर्तमान समय में भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा इसमें नहीं चल रहा है, इससे गुरु की आराधना करें, आज ग्रहण के उपरांत एक माला गुरु का जप कर लें, जिससे उन ग्रहण का और राशि पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि का समय अच्छा है, उनके कार्य सभी बनेंगे, मित्रता हो जाएगी पार्टनरशिप से, और अपने पुराने मित्र भी मिल सकते हैं, जिससे उनको ग्रहण के उपरांत बहुत लाभ मिलने की संभावना है। चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वर्तमान समय नहीं अच्छी चल रही है, मन में बहुत ग्लानि रहेगी, कुछ गलत बुरा करने का मन में ख्याल आएगा, घर छोड़ने के भी मन में ख्याल आ सकते हैं, और कार्य थोड़ा मन में विचलता रहेगी, इसलिए तुला राशि के लोग सावधान रहें। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए घर में द्वितीय भाव में चार ग्रह योग बनने से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कुटुंब में थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं, किसी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना करें और अच्छा समय रहेगा। धनुराशि की चर्चा करेंगे। धनुराशि जो कि भारत की भी राशि है, और भारत के लिए यह ग्रहण का प्रभाव बहुत बुरा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी भारत के लिए थोड़ा कुछ अंश बुरा पड़ेगा, कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पर कुछ न कुछ समस्याएं घटने की संभावना है। चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि पे शनि स्वयं विराजमान है, मकर राशि का समय इस ग्रहण के दौरान लगभग सही रहने वाला है, थोड़ा हनुमान चालीसा का आज के दिन पाठ करेंगे ग्रहण के उपरांत, उनका समय अच्छा रहेगा। चर्चा करेंगे कुंभ राशि के लिए। यात्राएँ हो सकती हैं, और यात्राओं में सावधानी रखना होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान कोई भी शुभ या अशुभ घटना घट सकती है, इसलिए यात्रा सावधानीपूर्वक करें। चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वर्तमान समय में अच्छा फल प्रदान कर रही है, और गुरु देवता वहीं पर विराजमान भी है मीन राशि पर, इससे स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और गुरु की आराधना करें या अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका आप जप करके इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक में बदल सकते हैं, इससे समय सभी राशियों के लिए लगभग मिलाजुला फल देने वाला है। पंडित जी, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे उनके घर में पल रहे बच्चे को फायदा मिले? सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो कोई भी अपने हाथ से सब्जी काटना है, फल काटना है, या कोई भी काट पीट का, क्योंकि उनके गर्भ में जो शिशु है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सबसे अधिक तो सुनने में गर्भवती महिलाओं के लिए आता है कि वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनमें गर्भ जो शिशु पल रहा है, और जब ग्रहाधिपति है उनके साथ में कई ग्रह शुक्र भी इस समय अस्त चल रहे हैं,
तो गर्भपात होने की संभावनाएं बन जाती हैं ऐसे में अगर ध्यान नहीं रखा गया तो, या शिशु जो पल रहा है उस पर आने वाले समय में सूर्य का जो प्रभाव होना चाहिए वो थोड़ा कम पड़ता है, अच्छा प्रभाव, तो इससे विशेष तो उन्हीं को देखना चाहिए। ना ही सोना चाहिए ग्रहण के समय में, ना ही कोई चीज़ ऐसी खानी चाहिए। बहुत जिनका आज ऑपरेशन होने वाला है वो 2 घंटे के लिए ऑपरेशन को टाल दें, ग्रहण के बीच में जो अगर ऑपरेशन होगा तो हमेशा के लिए वो दिक्कतें उत्पन्न करेगा, वो सक्सेस नहीं होगा, इससे ऑपरेशन भी ना करें। यात्रा 2 घंटे के दौरान जब भी हमारे भारत में विशेष रूप से दिखाई देगा उस बीच में कोई भी यात्रा ना करें, जैसे कहीं जाना है गर्भवती स्त्रियों को तो न जाएं, अपनी यात्रा को टाल दें। और शिशु का ख्याल रखने के लिए कृष्ण जी का जो जप है उसको अपने मन में हृदयंगम करके उस जप को करें, या कोई भी और मंत्र जप सकती हैं जो भी आप अपने इष्ट देवता को मानती हैं उनका, उन 2 घंटे में अच्छे से जप करें बैठ करके। सोना नहीं है, निद्रा में 2 घंटे तो नहीं सोएं जब तक ग्रहण पड़े, इसके सूतक काल में सो भी सकते हैं, खा भी पी सकते हैं, क्योंकि आपातकालीन मर्यादा नास्ति। अगर सूतक गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को इसकी छूट दी जाती है शास्त्रों के अनुसार, इससे भगवान का स्मरण करके। लेकिन 2 घंटे के बीच जब ग्रहण पड़े उस बीच में कोई दवाई या कोई खाने पीने की वस्तु ना ग्रहण करें, और बचने के लिए गोबर अभी से लगा लें। गोबर लगा लेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो गर्भ पर नहीं पड़ता है। या गेरू लगा लें पेट के, एक सीधी लकीर और एक ऐसे, जिससे पूरा हमारा जहाँ पर गर्भ शिशु है वहाँ पर उनका जो बुरी तरंगे हैं, बुरा निगेटिव जो आती है तरंग, वो हमारे उनके पेट पर नहीं पड़ेगी, जिससे उनको लाभ मिलेगा। पंडित जी, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान पका खाना नहीं खाना चाहिए, या जो खाना बचा है उसमें तुलसी डाल देना चाहिए, तो इस दौरान तुलसी का क्या महत्व है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पका हुआ खाना, और आपने देखा होगा भी आज ग्रहण पड़ेगा तो आकाश गंगा में ऐसा लगेगा कि कोई ग्रहण का असर दिखने लगेगा, छाया ऐसी, या सूर्य का जो पूर्ण प्रभाव है वो धरती पर न पड़ पाना इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण सूर्य को ग्रसित किया जाता है। और ऐसे में जो सूर्य की तरंगे सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती हैं, क्योंकि चारों तरफ कहीं पर कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो हमारे भारत देश से ही हमारे सभी देशों से, पृथ्वी से पूरी ऐसी सी गैस निकलती हैं जो बहुत ही प्रभावित तरंगे होती हैं, और निगेटिव तरंगे, उनको उनके असरों को ख़त्म करने के लिए केवल सूर्य की तरंगे ही हैं जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उन तरंगों को नष्ट कर देती हैं जो बुरी और निगेटिव एनर्जी है। तो जब सूर्य का तरंग पूर्ण रूप से हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत पर, शहर में नहीं पड़ पाएंगे तो आम बात है कि वो तरंगे, निगेटिव एनर्जी चारों तरफ फैलेंगी, क्योंकि वो नष्ट नहीं हो पाएंगी। और जब चारों तरफ फैलेंगी तो उसका प्रभाव शरीर पर और पके भोजन पर या जो भी खाद्य सामग्री है उसको हम ग्रहण करेंगे तो उस वस्तु पर पड़ेंगी, और वो फिर हमारे पेट में जाएंगी और फिर हमारे लिए वो बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब ग्रहण के दौरान उन सभी वस्तुओं में या तो कुश डाल दें, कुश जो सबसे पवित्र माना गया है, या तुलसी का पत्र, तुलसी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते, तुलसी जितने भी व्याधियां हैं शरीर में, रोग हैं, उन सभी को नष्ट करने की क्षमता तुलसी में है। इसीलिए तुलसी देवी हैं और उनका वैज्ञानिक रूप में भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इससे तुलसी का वहाँ डालने से उसकी जो तुलसी की जो रस है या तुलसी की जो पत्ती है उसकी जो किरणें हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इससे कुश या तुलसी डालने से वो भोजन अशुद्ध नहीं होगा और उसको हम फिर ग्रहण के उपरांत भी खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इससे ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्र डालने से, और कार्तिक मास में तो तुलसी का विशेष महत्व है, इससे सभी अधिकतर लोग तुलसी अपने घर पर तुलसी के दीपक जला ही रहे होंगे, तो दीपक पूरे कार्तिक महीने में जलाना चाहिए, और तुलसी का विवाह भी इसी पूर्णिमा को होता है, तो इसलिए तुलसी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इससे ग्रहण के दौरान तुलसी का पत्र या कुश अपने जो भी खाद्य सामग्री है उसमें
डालने, जिसका असर ग्रहण के दौरान उस पर नहीं पड़ेगा और वो भोजन हमारे लिए खाद्य योग हो जाएगा। पंडित जी, सूर्य ग्रहण का असर देश के साथ विदेश में भी दिखेगा, तो भारत के किन किन हिस्सों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा? भारत के अधिकतर, क्योंकि पूरे भारत पर इसका, इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, इससे भारत के कई हिस्सों में इसको देखा जा रहा है, विशेषकर उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत पे भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए विशेषकर ध्यान रखें उत्तर और दक्षिण भारत के लोग। पश्चिम में कुछ हद तक कम इसका असर देखने को मिलेगा, और पूर्व में भी इसको बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता है। पूर्व के कुछ हिस्सों में, झारखंड के आसपास, इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इसका प्रभाव पूरे भारत देखा जाएगा। बहुत ही सावधानी भारत के सभी हिस्से के सदस्य, सभी लोग रखें, जिससे भारत पर बहुत बुरा असर ना पड़ पाए, क्योंकि जितने अधिक से अधिक पूजा पाठ होगा, धार्मिक कृत्य होंगे और ईश्वर की आराधना होगी, उतना ही इस ग्रहण का प्रभाव हमारे यहाँ देखने को कम मिलेगा, क्योंकि भगवान की शक्ति में ही भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। इससे जितना भक्ति होगी उतना ही सभी देवता शक्तिवान होंगे, और जितना शक्तिवान होंगे उतना ही इस देवताओं पर ग्रहण का असर कम होगा और अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि कई ऐसे विदेश में ऐसे देश हैं जहाँ पे भी युद्ध चल रहा है, युद्ध की संभावना, वहाँ के लिए बहुत ग्रह खराब है। तो कई विदेश से कई पूजा भी भारत में हो रही है कई स्थानों पर, और कई विदेश में भी भगवान की पूजा पाठ, जब से ये कोरोना काल आया उसके बाद से कई देशों में पूजा पाठ बढ़ गई है, जिससे कि ये अच्छा शुभ संकेत है। भारत को उन्नत सभी देशों का अधिपति माना जाएगा आने वाले समय में। आने वाले समय में मोदी जी पूरे विश्व पर राज्य करेंगे, पूरे विश्व को एक संकेत देंगे, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। फिर से भारत देश सोने की चिड़िया होने की संभावना में अग्रसर है। पंडित जी, कहा जाता है सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए, तिल खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, और क्या कुछ करना चाहिए? ग्रहण के उपरांत खाने में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो असर है वो हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे पेट में पड़ता है, तभी गर्भाशय पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो पेट में हम लोग पहले से ग्रहण किए होते हैं, वो ग्रहण के दौरान भी अशुद्ध होने का या उसमें प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इससे ग्रहण के बाद ऐसे भोजन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, जैसे गुड़ है इत्यादि, ये खाने से, या तिल, और वो क्योंकि ग्रहण पर जब कई ग्रह एक साथ में होते हैं और राहु केतु की युति हो जाती है तो ग्रहण पड़ता है, तो इसलिए कुछ ऐसा खाने से हमारे जो पेट है उस पर बुरा असर नहीं पड़ता है। इससे ग्रहण के उपरांत जो जनेऊ धारण करते हैं उनको जनेऊ को बदलना चाहिए। पंडित जी, सूर्य ग्रहण का असर भारत की राशि पर कितना पड़ेगा? भारत की राशि पर बहुत इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की धनु राशि है और धनु राशि के जो द्वादश भाव में, ये मतलब विदेश में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे भारत देश पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पंडित जी, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के का असर, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए गायत्री मंत्र सबसे उत्तम है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण तेज से नहीं हो, अपने मन में ही गायत्री मंत्र का जप करें, जिसका प्रभाव पूरी राशियों पर अच्छा पड़ेगा और पूरे भारत देश पर बहुत अच्छा पड़ेगा। और बचने का सबसे सरल उपाय ये कि हम लोग गायत्री मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। जी, धन्यवाद पंडित जी आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो ये थे पंडित राम जी, जिन्होंने सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम जानकारियां दी। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।